बेथरा और चिरखुन के बीच ना, बेथरा और चिरखुन के बीच ये मुकाबला हो रहा है भाई। और बेथरा ने अभी फील्डिंग कर रहा है और चिरखुन बल्लेबाजी ना, 115 रन बनाने हैं, 115 रन बनाने हैं अभी तक। बेथरा ने पहले बल्लेबाजी कर दी तो बेथरा ने 115 रन बनाए, 114 रन बनाए ना, 115 रन बनाने हैं यहाँ पे चिरखुन को। और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई ये दोनों ही बल्लेबाज। तो क्या लगता है आपको कि ये लक्ष्य हो जाएगा पास? जिस हिसाब से बैट करे उस समय वो भी पता है। हाँ, हो भी सकता है, पर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चितताओं का खेल। कल का मैच देखा होगा रेस ने किस प्रकार से कल का मैच जीता अंतिम ओवर में। अरे फिर से खेल दिया भाई इसको, कोई रन नहीं। भाई छह रन है भाई, चार अंपायर का इशारा, चार रन। और ये भी चार रन हो जाएगा भाई। तो इस ओवर में राकेश ने अच्छी बल्लेबाजी करी अभी तक, वाइड भाई, और एक रन और ले लिया उन्होंने, दो रन। सैतीस रन, एक विकेट के नुकसान है ना। बहुत ऊंची खेल रही भाई, देखना होगा कैच हो पाता कि नहीं हो पाता, छूट गया यहाँ पे कैच। तीन फील्डर एक साथ हो गए थे। एक रन, तो काफी लंबी सिक्स लगाए भाई यहाँ पे, एक और शॉट लगा दिया। और ये भी लग रहा है कि एक रन, रन आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज। सिस्टम के बाहर वाइड नहीं दी भाई अंपायर ने, नो बॉल। दो रन भागे, तीसरा रन भागे भाई बैट्समैन, तो तीन रन अभी मिले नहीं और चार रन दौड़ के पूरे कर ले यहाँ पे। पांच रन और फिर स्ट्राइक भी उसी बल्लेबाज के पास होगी भाई। तो एक और विकेट गिरा यहाँ पे चिरखुन का, तो तीसरा विकेट गिर गया भाई यहाँ पे। और अच्छा खेल लेते हैं यहाँ पे बल्लेबाज, फोर्ट बिहाइंड हो गए भाई। ये गेंदबाज, ये दूसरी नो बॉल है इस ओवर में। खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और एक छह रन के लिए। और एक रन ले लिया भाई आज, वैसे मुश्किल रन था पर आखिरकार पूरा कर ही लिया दोनों बल्लेबाजों ने। चार रन जल्दी से, तिरे तिर जाए यार चार रन। दूसरी छक्का भाई इस ओवर की, कमाते हो डाल अर्जुन।
के बाहर वाइड वाइड एक और वाइड बोल्ड हो गया भाई बल्लेबाज सुशील कांति नए बल्लेबाज के रूप में है भाई चिरकोन की तरफ से। तो ये रोमांचक हो गया ये मुकाबला। लेग स्टंप रन लेना चाहते थे मना किया। ले भाई एक और छक्का कांति के बल्ले से 85 रन बल्ले यार। अरे वाह 6 रन एक और जबरदस्त बैटिंग भाई 91 रन लॉस ऑफ 4 विकेट चिरकोन का और बहुत जल्दी वो जीत के करीब पहुंच गया भाई। वाइड तो कैलाश को भी अब बड़े बड़े हिट खेलने होंगे भाई अगर टीम को उन्हें पिजाई जल्दी जल्दी पहुंचाना है। तो फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ फिर से बीट हुई यहाँ पे। एक रन ले लिया यहाँ पे अच्छी फील्डिंग। और एक है छूटा एक रन ले लिया भाई मौका था वैसे वहां पे स्लिप पे लड़के ने। तो इस प्रकार ये पांचवा झटका लगा चिरकोन को फॉर्म भी चल जाते हैं खेल दिया भाई सिरे को कोई रन नहीं देखना होगा कैच हो पाता कि नहीं छूट गया भाई यहाँ पे ये कैच और एक रन ले लिया अच्छा शॉट एक रन रनआउट का खतरा भी हो गया था वहाँ पे अच्छा रन भाई बेहतरीन शॉट अरे वाह गजब शॉट यार 4 रन के लिए। सुशील कांति ने तो तहलका मचा दिया भाई यहाँ पे। तो देवेंद्र आए हैं भाई नए गेंदबाज के रूप में लेग स्टंप के बाहर वाइड एक रन यार बहुत अच्छा खेला भाई सुशील कांति एक रन के लिए खेल दिया इस गेंद को चाहिए भी अब 6 रन मात्र जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे चिरकोन को और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है यहाँ पे अभी तक चिरकोन ने। उतनी निराश होगी यहाँ पे बेथरा जीत की उम्मीद लेके आए थे एक रन बोल्ड हो गए यहाँ पे कांति और भाई एक एक रन चाहिए थे जीतने के लिए कांति को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी और अपना विकेट खो दिया है उन्होंने। विजय 6 रन तो विजय शॉट मार दिया यहाँ पे इस प्रकार चिरकोन ने मुकाबला जीत लिया। चलो जी अब यहाँ पे दूसरा मुकाबला खेला जाएगा लोदला वर्सेज सैज के बीच और देखना होगा किस कौन इस मुकाबले को जीता है। तो सैज ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करेगा
तो सामने से देखिए भाई धुआं कितना हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आग भी लग गई है पूरा। ओ पुष भाई, पूरा धुआं धुआं हो रहा है यहाँ पे।